आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। जी हां, इंदौर के सुगनी देवी कॉलेज मैदान पर केजरीवाल ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने देश में हिंदू मुस्लिम भेदभाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए देश को नंबर वन बनाने की चाबी बताई। आज मैं आपको उसकी चाबी बताने आया हूं, कैसे बनेगा भारत दुनिया का नंबर वन देश। एक ही तरीका है, शिक्षा। वहीं केजरीवाल ने प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था पर शिवराज सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने मंच से सीएम शिवराज को शिक्षा व्यवस्था सिखाने का ऑफर देते हुए कहा कि मैं आपको सिखा देता हूं कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है। मेरी उन सारी सरकारों को, उन सारी पार्टियों को मेरा ऑफर है। मैं आज उनको इस मंच के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी को भी ऑफर देता हूं। भाई 15 साल में तुम लोग स्कूल नहीं सुधार पाए, या तो तुमको करना नहीं आता या तुम्हारी नीयत खराब है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल ने इंदौर से हुंकार भरते हुए खूब दम दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।